ज्यादा भरोसा मैं इसी पे करता हूँ। यार तुम इतने अमीर हो के इस गरीब से दोस्ती की हो, अब मजा आएगा। आज यकीन भी हो गया। क्या हुआ भाई? बहुत हो गया, आगे एक शब्द भी नहीं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपकी बाइक की चाबी छूट गई। थैंक यू मेरी चाबी लौटाने के लिए। बाय द वे मुस्कान, वैसे आप इस पार्क में अकेले क्या कर रही? घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा पार्क में घूम लेती हूँ। क्या मैं आपकी इस बोरिंग को दूर कर सकता हूँ? मतलब कि हम फ्रेंड बन सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत थी। फिर नंबर दीजिए अपना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चले साथ में आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ, मेरे घर से फोन आ रहा है। तो सुनो, मैं तुम्हें शाम को किसी से मिलवाने वाला हूँ, टाइम से आ जाना। आज मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाता हूँ, रुको वो आती होगी। इससे मिलो, ये मेरा बचपन का दोस्त शैलेंद्र। हेलो। हाय। सबसे ज्यादा भरोसा मैं इसी पे करता हूँ, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम मुझे इसी से मिलवाने वाले थे? क्यों, क्या हुआ? भाई मेरा फोन आ रहा है, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ। यार तुम इतने अमीर हो के इस गरीब से दोस्ती की हो, कितना गंदा लग रहा था देखने में। देख तो मुझे ऐसे रहता है जैसे जिंदगी में पहली बार इसने कोई लड़की देखी है। नहीं यार, वो बहुत अच्छा इंसान है। भाई एक इमरजेंसी काम आ गया था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चल चलते हैं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। क्या हुआ, इतना उदास क्यों? यार क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता तो सही, अभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। यार मुझे अर्जेंट 50,000 रुपए की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बस 50,000? अभी तुम्हारे अकाउंट में 50,000 सेंड कर देता हूँ। अब ये सब बात छोड़ो, चलो कॉफी पीने चलते हैं। यार तुम्हें सिर्फ एक ही से करती हूँ। वो किससे? तुमसे और किससे? ये बताओ, प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है ना? कहीं तुम्हें उस लड़के से प्यार तो नहीं हुआ? नहीं यार, बस मैं उसे पैसों के लिए यूज करती हूँ। जब तक उसके पास पैसे हैं तब तक हम दोनों ऐश करेंगे। जिस दिन उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे मैं उसे छोड़ दूंगी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, अभी तक उसे तुम्हारे पर कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। यार वो इतना बड़ा बेवकूफ है, उससे मैंने 50,000 रुपए मांगे और उसने बिना कुछ पूछे मुझे पूरे पैसे दे दिए। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है, तो मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारे बारे में अपने दोस्त को सब कुछ बता दूंगा। वो मेरा इससे पहले कोई काम बिगाड़े मुझे कुछ करना होगा। मैं चलती हूँ।
हेलो, कहाँ हो? पार्क में आ जाओ, जरूरी काम है। क्या हुआ यार? तुम्हारा दोस्त जब से मुझे देखा है तब से मेरे पीछे ही पड़ गया है, और तुम्हारे ना रहने पर वो मुझ पर लाइन मारता है, और आज तो हद ही हो गई। उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला और साथ में ये भी बोला कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अभी जाता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। अब मजा आएगा। हाँ भाई बता, मुझे क्यों बुलाया? वैसे मुझे तुझको कुछ बताना भी था। क्या बताएगा तू? मुझे तेरी नीयत पर पहले से ही शक था, आज यकीन भी हो गया। क्या हुआ भाई, तू ये सब क्या बोल रहा है? मैंने क्या किया? ज्यादा शरीफ मत बन, मेरी बंदी ने मुझे सब बता दिया है। भाई उस लड़की की झूठी बातों में आकर अपने दोस्त से कर रहा है? भाई वो लड़की तुझे धोखा दे रही है और तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करती है, बात को समझ। बस बहुत हो गया, आगे एक शब्द भी नहीं। साले मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता था और तूने मेरे साथ गद्दारी की। भाई मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया तेरा, चला जा यहाँ से, इससे पहले मैं तेरी और बेइज्जती करूँ। खफा हो जा यहाँ से। ज्यादा शरीफ मत बन, मेरी बंदी ने मुझे सब बता दिया। तेरी नियत पर पहले ही सही सकता, आज यकीन भी हो गया। आगे एक शब्द भी साले मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता था और तूने मेरे साथ गद्दारी की। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर जाने दिया होता। अबे पागल है क्या, मरना क्यों चाहता है? मुझे बता क्या हुआ यार। जिसे मैं अपनी जिंदगी मानता था और जिसने मुझे खुद से जुदा कर दिया, वो भी एक झूठी लड़की की बातों में आकर। यार मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है मैं भी जानता हूं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, तू जाके मेहनत कर, तेरा वक्त जरूर बदलेगा, क्योंकि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता। हेलो, नमस्ते सर। सर आज मेरे द्वारा बनाया गया इंजन चालू हो गया, आप इसका मॉडल सभी कंपनियों को भेज दीजिए। ठीक है सर। सुनो। जी सर बताइए। TMS कंपनी से कॉल आया था, उनको तुम्हारे द्वारा बनाया गया इंजन पसंद आ गया है। सच में?
हाँ, उन्होंने कल तुमको अपने ऑफिस में बुलाया है, मैं उनका एड्रेस तुमको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। ओके सर। हमारी कंपनी को आपके द्वारा बनाया गया इंजन बहुत पसंद आया। जी सर। हमारी कंपनी आपको 2 करोड़ का प्रोजेक्ट देना चाहती है। ओके सर। उसके लिए हम आपको 20 लाख रुपए एडवांस देने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, मैं कल चाहिए नए इंजन पर काम करना शुरू करता हूँ। ओके। सर, बाहर कोई है आपसे मिलना चाह रहा है। ठीक है, भेजो। ओके। गोलू तुम? सलेम, तू यहाँ कैसे? पहले तुम बैठो, फिर मैं बताता हूँ। बताओ, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? भाई तू सही बोलता था, वो लड़की मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती थी। जब तक मेरे पास पैसे थे मैंने उसके ऊपर खूब खर्च किए। एक दिन मेरी कंपनी दिवालिया हो गई और मैं रोड पर आ गया। उसी दिन मैंने उससे मदद मांगी, उसने मुझे गरीब और कंगाल बोलकर अकेला ही छोड़ दिया। तब जाके मुझे उसकी असलियत का पता चला। तब तक मैं कंगाल हो चुका था, तब से मैं नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं जानता था ये होगा, मैंने तुझे समझाया भी था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। भाई मुझे माफ़ कर दे, तू सही था लेकिन मैं तेरी बातों को ना समझ सका। भाई मैं सब कुछ भूल चुका हूँ क्योंकि तुमने उस दिन जो भी बोला उस लड़की के प्यार में आकर बोला। भाई इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। भाई तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, हमारी दोस्ती जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। भाई तूने बताया नहीं, तू इस मुकाम पे कैसे पहुंचे? भाई जब तुमने मुझे उसी दिन बोला था कि चला जाए, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, उसी दिन से मुझे पता चला इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और मैंने उसी दिन से एक इंजन पे काम किया। मेरे 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद मेरे द्वारा बनाया गया इंजन चालू हो गया और वो इंजन इस कंपनी को बहुत पसंद आया और मेरी लाइफ उसी दिन से चेंज हो गई।